नमस्कार दोस्तों, आर के टेक्निकल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों जैसे कि आपके फ़ोन में अगर जियो का इंटरनेट आप चलाते हैं या जियो का सिम यूज़ करते हैं, और दोस्तों आपने देखा होगा जो नेट की स्पीड है वो काफ़ी स्लो देखने को मिल रही है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने जियो नेट की जो स्पीड है उसे काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इस सेटिंग को अप्लाई करके आप अपने फ़ोन में जो जियो का इंटरनेट है उसे काफ़ी तेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको तीन सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जो थर्ड नंबर की सेटिंग है दोस्तों उसे ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो सारी सेटिंग है वो तीसरे नंबर की सेटिंग से ही अप्लाई होगी, उसी से जो आपकी जो नेट की स्पीड है वो बूस्ट होगी। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली सेटिंग है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे जाके दोस्तों आपने सर्च करना है रीसेट नेटवर्क। जैसे ही दोस्तों आप रीसेट नेटवर्क सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे दोस्तों रीसेट नेटवर्क सेटिंग आ रही है, इसे दोस्तों यहाँ पे ये पूछेगा आपने कौन से सिम की जो नेटवर्क सेटिंग है उसे रीसेट करना है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना सिम सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मेरे सिम वन में है। अब दोस्तों ये आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे दें, उसके बाद दोस्तों ये रीसेट कर देगा, जैसे कि अब हो गई है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो सेकंड नंबर की सेटिंग है जिसे आपने अप्लाई करना है अपने फ़ोन में। उसके लिए दोस्तों आपने कनेक्शन में जाना है, उसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल नेटवर्क्स में जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिले, एक्सेस पॉइंट नेम यानी APN सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जियो 4G जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, बाकी जो भी आपने सेटिंग पहले की होगी वो नेटवर्क रीसेट के बाद डिलीट हो गई है। अब दोस्तों आपने एक नया APN सेट करना है। जैसे ही दोस्तों आप नया APN सेट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपने थर्ड नंबर वाली सेटिंग को अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों थर्ड नंबर वाली जैसी सेटिंग आप अप्लाई करेंगे तभी ये APN जो आप बनाने जा रहे हैं ये वर्क करेगा सही तरीके से। तो उसके लिए दोस्तों आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको नेम देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले लिखना है न्यू। जो पहला अक्षर है दोस्तों वो बड़ा होना चाहिए, बाकी के अक्षर छोटे होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने लिखना है 5G टेस्ट, न्यू 5G टेस्ट लिखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने ओके कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों जो पहला अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड नंबर की सेटिंग है APN, यहाँ पे दोस्तों आपने लिखना है जियो नेट लिखना है, और ये सारा ये सभी जो लिखा है दोस्तों आपने जियो नेट ये स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपने APN सेट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोक्सी में आपने नहीं छेड़ना है, ना ही पोर्ट में छेड़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम में दोस्तों आपने जो सबसे पहले अक्षर डाला है न्यू 5G टेस्ट लिख देना है दोस्तों यहाँ पे, और इसे ओके कर देना है। ध्यान रखिए दोस्तों जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी के जो अक्षर हैं वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपने पासवर्ड में कुछ नहीं छेड़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्वर आ रहा है। अब सर्वर जैसे कि दोस्तों पहले आपने देखा होगा APN में हम गूगल से लेते थे, लेकिन दोस्तों इस बार हमें जो सर्वर है वो हम जियो से लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है सर्वर में दोस्तों आपने लिखना है www.jio.com लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे MMSC आएगा, इसे भी छेड़ना नहीं है, और MMS प्रोक्सी आएगा, इसे भी नहीं छेड़ना है। दोस्तों आपने नीचे आ जाना है, दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑथेंटिकेशन टाइप, यहाँ पे दोस्तों आपने PAP और CHAP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आएगा APN टाइप, यहाँ पे दोस्तों इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा APN प्रोटोकॉल, यहाँ पर दोस्तों IB4 और IB6 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों APN रोमिंग प्रोटोकॉल आएगा, यहाँ पे दोस्तों IBB4 और IBB6 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बियरर आएगा सेटिंग, इस पर क्लिक कर दें, और यहाँ पे LT क्लिक करके यहाँ पे इसे अनस्पेसिफाइड से हटा देना है। उसके बाद दोस्तों इसे ओके कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप आ रहा है, इसे दोस्तों आपने नोट सेट पे ही क्लिक रखना है। दोस्तों आपका जो APN है ये सेट हो चुका है, ये बन के तैयार हो गया है न्यू 5G टेस्ट के नाम से। अब दोस्तों आपने यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, और दोस्तों यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आप इसे सेव कर लें। अब दोस्तों आपका जो APN है यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके बाद आपने एक सेटिंग और करनी है जो कि यहीं पर है,
उसके लिए दोस्तों आपने जाना है बैक एक बार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आएगा, जैसे कि मेरा सिम वन में जियो फ़ोन है, जियो का नेटवर्क है, तो उसके लिए दोस्तों आपने सिम वन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा रहा है LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट आ रहा है, यहाँ से दोस्तों हटा के आपने यहाँ पे LTE ओनली पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप बैक कर दें। बैक करने के बाद दोस्तों आपने अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करके दोस्तों आपने इसे रिस्टार्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद अपने फ़ोन में नेट का इस्तेमाल करेंगे, दोस्तों आपका जो नेट है वो काफ़ी तेज़ चलने लग जाएगा पहले के मुकाबले। यूज़ करें सेटिंग को, काफ़ी कमाल की सेटिंग है, इसे मैंने 2-3 फ़ोन में इस्तेमाल करके देखा है, काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी आ रहा है और काफ़ी अच्छा जियो का जो नेट है वो भी चल रहा है। तो दोस्तों आई होप जो भी जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।